एज पर अ सर्वे ऑफ Amazon वेब सर्विस इंडिया में आने वाले ईयर में अराउंड 27.3 मिलियन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास कोई डिजिटल स्किल नहीं होगी। दिस रिपोर्ट सेज कि आने वाले दिनों में टू गेट अ हाई सैलरी पैकेज जॉब और टू सेट अप एनीथिंग ऑनलाइन इन दिस डिजिटल वर्ल्ड यू शुड डेफिनेटली हैव फ्यू डिजिटल स्किल्स, क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो तुम्हारी डिग्री नहीं देख रही, वो देख रही हैं कि तुम्हारे पास डिजिटल स्किल्स कौन सी हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू 3 डिजिटल स्किल्स जो कि तुम्हारी इनकम को 10x बढ़ा सकती हैं या तुम्हें हेल्प कर सकती हैं एक अच्छा ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने में। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्किल जो तुम्हें सीखनी है टू गेट अ हाई पैकेज जॉब और टू सेट अप योर ऑनलाइन सर्विस बेस्ड बिजनेस इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई2 ऐसे काफ़ी सारे AI टूल्स आ गए हैं। ये सारे AI बॉट्स हैं जिनको तुम्हें कुछ टेक्स्ट भेजना पड़ता है और फिर तुम्हें वो आउटपुट देते हैं। जो टेक्स्ट तुम भेजते हो उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो जितना अच्छा तुम्हारा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा तुम्हारा आउटपुट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट भेजें, राइट अ टाइटल फॉर द टॉपिक व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो चांसेस ये हैं कि जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। बट अगर तुम कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट दो, You are a blog title generator. Provide me with a list of 5 different attention grabbing and creative titles for how to start freelancing with the keyword freelancing included in the title. Please generate unique titles that would be easy to read. अब ऐसे में जो तुम्हें 5 titles मिलेंगे वो काफी attention grabbing होंगे और वो titles होंगे जिसका CTR rate बहुत ज्यादा high होगा। So the point is AI तुम्हें नहीं replace करेगा, but तुमने अगर AI को अच्छे तरीके से use करना नहीं सीखा then AI might replace you. अब इस प्रोसेस को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यूट्यूब पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रिलेटेड। कुछ कोर्सेज तुम्हें यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच ऑल ऑफ दीज टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसके बाद इस डिजिटल वर्ल्ड में जो तुम्हें सेकंड स्किल सीखनी है वो है कंटेंट क्रिएशन की। अगर तुम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो या बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो देन यू शुड डेफिनेटली नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट। जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हैं, चाहे वो नील पटेल हो, अंकुर वारिकी हो, सौरभ जैन हो, राहुल भटनागर हो, इन सब ने सबसे पहले एक इन डिमांड स्किल सीखी, फिर उसके बाद डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा। इससे जब उनको काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिलने लगे उसके बाद इन्होंने अपने उन्हीं सोशल मीडिया के व्यूअर्स को कोर्स बेचना शुरू करा, वर्कशॉप, वेबिनार्स करना शुरू करी। अब इसी तरीके से उनके दो बिजनेस बन गए, सबसे पहला उनका सर्विस बेस्ड बिजनेस और उसके बाद उनका कोचिंग और कोर्स का बिजनेस। तो इन्होंने दो तरीके से सोशल मीडिया पे कंटेंट बना के बहुत सारी अर्निंग करी है। उसके अलावा आजकल तुमने एक फ्रीलांसर को देखा होगा इंस्टाग्राम रील पे जो काफी वायरल हुआ, वो एक वेबसाइट डिजाइनर है, उसका नाम आदित्य है। उसने क्या करा, उसको उतने अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे तो उसने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू करी, वेयर ही स्टार्टेड विद अ 100 डेज चैलेंज जिसमें उसको 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करना था। बट वो 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, उसकी एक रील वायरल हो गई और उसको 1 लाख की जगह 7 लाख के ऊपर के क्लाइंट्स मिल गए एंड देन ही केम फ्रॉम 1 लाख टू 7 लाख पर मंथ चैलेंज। सोशल मीडिया इज दैट पावरफुल फॉर एनी सर्विस बेस्ड बिजनेस और फॉर एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। कंटेंट क्रिएशन इज द की टू सक्सीड। इसके लिए तुम कोई भी सोशल मीडिया चूज कर सकते हो। यूट्यूब पे अगेन भर भर के वीडियोज है हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया नेटवर्क्स, गो एंड वॉच देम। इसके बाद द लास्ट स्किल दैट यू शुड नो इज कोल्ड पिचिंग। मुझे जितने भी आज तक हाई पेइंग क्लाइंट्स मिले हैं या जितने भी हाई पेइंग स्पॉन्सर्स मिले हैं यूट्यूब के लिए, वो सारे कोल्ड पिचिंग के थ्रू मिले हैं। अगर तुम किसी कंपनी के साथ वर्क करना चाहते हो तो उसके फाउंडर को या जो भी तुम्हारे नीश में हेड है उसको स्टॉक करो हर तरफ, उसके मेल बॉक्स पे, उसके लिंक्डइन पे, उसके इंस्टाग्राम पे, उसके ट्विटर हैंडल पे, उसको हर तरफ मैसेजेस भेजो, मेल्स भेजो और एक नहीं कई बार भेजो, हर 2 से 3 दिन बाद एक फॉलोअप मेल भेजो ताकि वो तुम्हारा बार बार अपने मैसेजेस में, अपने मेल्स में नाम देखकर, तुम्हारा पैशन देखकर तुम्हारे साथ एक डिस्कवरी कॉल पे आ जाए। जब वो डिस्कवरी कॉल पे आ जाए देन यू नो हाउ टू कन्वर्ट हिम और हर इनटू अ क्लाइंट। कोल्ड पिचिंग पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है बट फिर भी मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जब भी तुम कोल्ड पिचिंग ईमेल लिखते हो
तो तुम्हें सबसे पहले एक कैची सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, उसके बाद मेल में फर्स्ट टू लाइंस में सिर्फ ये बता देना है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में यू हैव टू मेक अ कनेक्शन, यू हैव टू टेल दैट पर्सन लाइक यू हैव मेट हिम समवेयर और यू हैव रेड हिज ब्लॉग और यू हैव रेड हिज इंटरव्यू और यू सॉ हिज वीडियो, सम टाइप ऑफ कनेक्शन। एंड देन यू हैव टू टेल हाउ यू कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू दैट पर्सन इन देयर बिजनेस। बस ये ध्यान रखना है, ये जो कोल्ड पिचिंग का प्रोसेस होता है ये थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। तुम 500 कोल्ड ईमेल्स भेजोगे तो उसमें से 5 या 10 ही कन्वर्ट होंगी। इट इज दैट पेनफुल एंड फाइंडिंग आउट 500 पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नॉट अ बिग टास्क, यू कैन फाइंड देम प्रीटी इजीली। उनको फाइंड करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू अपनी कैटेगरी में जो तुम्हारे न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको गूगल करो और उनको कोल्ड पिच करना स्टार्ट कर दो। सो दैट्स इट, सो दीज वर द 3 डिजिटल स्किल्स दैट यू शुड डेफिनेटली लर्न टू सक्सीड इन दिस डिजिटल एरा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।